हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बीएमएस का पेपर यूनिवर्सिटी का कैसे सॉल्व करें। तो जब भी हम क्वेश्चन पेपर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं मन में, तो वो है कि कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, देन अगर अपने को गुड स्कोर करना है पेपर में तो उसको कैसे लिखना चाहिए और कितने मार्क्स के लिए कितने पेज मिनिमम लिखना चाहिए और एग्जाम के पहले हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व द बीएमएस यूनिवर्सिटी पेपर। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी पेपर आता है 10 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है, तो 10 मिनट पहले पेपर जब आता है तो आपको दो चीजें हमेशा याद करनी कि सबसे पहले आपको पेपर को देखना है, देन उसके बाद उसमें कोई करेक्शन है उसके बारे में सोचना है, देन आपको मन ही मन सोचना है कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और उनको डॉट डॉट करते जाना है। देन उसके बाद आपको सोचना है कि पहले मैं सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी सॉल्व करूं। अब इसमें भी जो सेक्शन बी होता है वो 15 मार्क्स का होता है और जो सेक्शन ए होता है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए आते हैं। तो जनरली बच्चे सेक्शन बी पहले शुरुआत करते हैं और सेक्शन ए बाद में सॉल्व करते हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन था कि अटेम्प्ट करते वक्त टाइम मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, कि टाइम मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए जब हम एग्जाम के लिए बैठते, तो अपने पास 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे में से अपने को 15 मार्क्स, 5 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसमें भी 15 मार्क के 3, 5 मार्क के 6 और 3 मार्क के 5, तो ये होते हैं 3 5s 15 और ये होते हैं 30 और ये होते हैं 45, ऐसे टोटल 90 मार्क्स का पेपर होता है। अब 90 मार्क्स का पेपर होता है तो अपन क्या करेंगे, अपने पास इसको देने के लिए 1.5 घंटा है, तो अपन इसको 30 मिनट्स 30 मिनट्स और 30 मिनट्स। अब अपने पास 1.5 घंटा बचा है, अब 1.5 घंटे में से आधा घंटा अपने को इसको देना है। सो अगर आधे घंटे को अपन डिवाइड करते हैं 15 से तो अपने को 6 मिनट्स पर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं एंड 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए अपने को 10 मिनट मिलते हैं और 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अपने को 30 मिनट्स मिलते हैं। तो अपने पास टोटल, अब इनका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 130 और ये 1 आवर और ये 6 5 30, सो ये हो जाएगा 3 घंटे। लेकिन अब अपने को इसमें से बफरिंग टाइम निकालना है। अपने को ये जनरली 25 से 27 तक के इसको खत्म करना है और इसमें हर एक क्वेश्चन को अपने को 8 मिनट में खत्म करना है और इसमें अपने को हर एक क्वेश्चन 5 मिनट में खत्म करना है। जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो मेक श्योर कि आप घड़ी का इस्तेमाल करो, आपके हाथ में नहीं होगी लेकिन जो वॉच वॉल वॉच होती है उसको हमेशा टाइम देखते करना चाहिए। अब होगा क्या, अगर आप ये टाइम बचाते हो तो यहां से आपको लगभग ओवरऑल अपन बोलते हैं कि 3-10 मिनट यहां से बच जाएंगे और कम ज्यादा होते भी इधर 12 मिनट्स यहाँ से बच जाएंगे और यहाँ से 5 मिनट्स बच जाएंगे। ये हाइपोथेटिकल है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आपको यहाँ से हार्डली 5 मिनट मिल जाएंगे अगर आप बचाना चाहेंगे तो, और देन आपको जब पेपर लिखते हो तो आपको ध्यान नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, तो यहाँ से अपने को 5 मिनट बचाना चाहिए और यहाँ से अपने को 5 मिनट, टोटल अपने को 15 मिनट्स का बफरिंग टाइम होना चाहिए। अब इस 15 मिनट्स का मैं आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ। अपने को यहाँ से 5 मिनट निकालना है, यहाँ से 5 मिनट चुराना है और यहाँ से 5 मिनट। अब ये जो 5-5 मिनट है इसको आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपका जो पेपर है आपको 245 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब इनको अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें जो 5 क्वेश्चंस है उनका क्वेश्चन मार्क प्रॉपर डालना है, क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन मार्क प्रॉपर डालना है और क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन मार्क्स प्रॉपर डालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क्स को कैसे डाल सकते हैं, देखो ऐसा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 बी, तो हर सब क्वेश्चन के आगे आपको मेन क्वेश्चन का नाम मेंशन करना है, तो ये 5 मिनट आपको वैलिड करने में चले गए। उसके बाद कौन सा आएगा कि अगर एखादा पॉइंट आपको ऐड करना है तो उसमें आपको ये 5 मिनट हेल्प करेंगे और जो बचे हुए 5 मिनट है
वो आपको टैली करने में एंड आपको अंडरलाइन करने में एंड आपका क्वेश्चंस कोई छूटा तो नहीं है उस वक्त काम आएगा। तो ये जो आपको 15 मिनट है ये आपको हमेशा बचा के रहने हैं। देन क्वेश्चन की तरफ कि अपन को कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो जैसे कि अपने को अटेम्प्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि अपने पास जो टाइम है उसमें अपने को लेट्स एग्जांपल कि ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको इसको लिखना कैसे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बॉर्डर दिए गए, उसके पहले जो एक लाइन ऊपर की है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड लाइन में आएगा ए, एक लाइन छोड़ देना है। फिर आएगा आपके आंसर के पॉइंट्स। अगर आपके ऊपर मेन हेडिंग है, सपोज डेफिनेशन पूछा है उसने, तो डेफिनेशन के लिए ये यहां से लिखना चालू करना है और सेकेंड लाइन इसके नीचे बिल्कुल नहीं लाना है, यहां से ही लिखना है आपको, ठीक है। आप थर्ड लाइन यहां से ला सकते हैं, जैसे कि ये 1, 2 और ये 3, ऐसे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जो भी आंसर लिखना है वो पॉइंट्स में लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जनरली 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट सफिशियंट है। अगर इसके अंदर भी कोई सब पॉइंट्स आते हैं तो उनको भी आप न्यूमेरिकल या फिर अल्फाबेट्स दे सकते हैं, ठीक है। जनरली कोशिश करिए कि 6 to 8 पॉइंट्स ही लिखें और पॉइंट्स भी 2 या 3 लाइन के अंदर ही आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। और जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये क्राइटेरिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। देन ये 3 मार्क्स के लिए हो गया, अभी अपन जाएंगे 5 मार्क्स के लिए। तो 5 मार्क्स के लिए आपको लगभग 2 पेज कवर करने होते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 ए, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, जनरली आपको मिनिमम 10 पॉइंट्स तो भी कवर करने चाहिए। मैक्सिमम आप सेफ्टी के लिए जा सकते हो, अगर आपका एक आधा पॉइंट गलत होता है तो आपको ये पॉइंट्स बचा लेते हैं। इसमें भी ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आपका कभी कभी 5 मार्क का क्वेश्चन बहुत छोटा आता है तो अपने को एक पेज में ही खत्म हो जाता है, कोशिश करिए कि उसको सेकेंड पेज पे ले जाएगा। उससे क्या होता है कि आंसर आपका थोड़ा बड़ा दिखता है और अगर आपको आखिर में कुछ याद आता है तो आप इसमें एड ऑन कर सकते हो, तो ये उसका बेनिफिट होता है अगर जब आप 5 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। तो अब जाएंगे 15 मार्क्स के लिए। अभी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने पेज लिखना है। आप बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आपको कितने पेज लिखना है, तो जनरली आपको 3 पेज इज इनफ, मिनिमम 2 से 3 पेज तक के जाइए, मैक्सिमम आपको बहुत अच्छा आता है तो 4 पेज के लिए जा सकते हैं। और इसमें भी थोड़ी कंडीशन है कि आपको 4 से आगे कब जाना है और 4 से कम कैसे लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 ए, ठीक है। अब 3 ए का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चंस 15 मार्क्स के क्वेश्चन काफी बड़े होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि क्या दिया है और क्या लिखना है। जो दिया है उसी के ऊपर लिखना है, आपको बहुत कुछ आता है उससे कोई मतलब नहीं। तो जो भी है 15 मार्क्स के लिए आपको हेडिंग के ऊपर काम करना है, हेडिंग इज इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी लिख रहे हैं उसके ऊपर हेडिंग मस्ट है। अब आपको क्या करना है इसके लिए, 15 मार्क्स का है तो अपने को क्या करना है, 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें मेन हेडिंग्स अपने कम से कम 7 से 10 तक होनी चाहिए, मेन हेडिंग्स जिसको उसको अपन को पूरा आउटलाइन याद में रखना है कि अपने को ये 7 से 10 हेडिंग्स के अंदर ही इसको खत्म करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया। अब इसमें भी सब पॉइंट्स आपको डालने हैं, जैसे 1, 2, 3 जो मैंने आपको पहले बता दी। अब ये जो 15 मार्क्स का है इसको लिखने के लिए आपको 30 पॉइंट्स तो होने चाहिए, लेकिन अगर आप 25 प्लस भी कर लेते हैं, 25 प्लस पॉइंट्स मतलब कैसे, आपको क्या करना है, हेडिंग के अंदर एक हेडिंग आ गई एबीसी, अब इसके अंदर आपने को 1, 2 पॉइंट्स डाल दिए, तो ऐसे आपको 7 हेडिंग के अंदर अगर आप एक एक दो दो पॉइंट भी ऐड करते हैं तो आपको 30 पॉइंट्स क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये
सिंपल वे है 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद जिनको भी अगर श्लोक्स नहीं आते, हेडिंग्स नहीं आते, तो उनको क्या करना है, थोड़ी लेंथ बढ़ानी है। मतलब क्या, क्वेश्चन को पकड़ के थोड़ी लेंथ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, उससे क्या होगा कि 15 में से तो आपको 8 मार्क्स को मिल ही जाएंगे। लेकिन जो इस टाइप से पेपर लिखते हैं ना, दे क्रॉस 12, 13, मोर देन 10 प्लस के ऊपर ही जाएंगे, जो 3 पेज लिखकर भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। और अगर क्वेश्चंस में डायग्राम्स मांगता है या फिर अपने को लगता है कि डायग्राम्स निकालना जरूरी है, तो जब भी आप पेपर का पेज होता है ना, ट्राई टू मेंशन द डायग्राम्स एट दिस, मतलब बीच में कहीं थोड़ी सी स्पेस, जैसे अपन पॉइंट वन आ गया, पॉइंट टू आ गया, तो इस पॉइंट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इस एरिया में, और इसमें यहाँ पर अपन डायग्राम रिप्रेजेंट कर। इससे क्या होता है कि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है और आपको जनरली डायग्राम्स के ऊपर ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्लोक्स इंपॉर्टेंस होते हैं क्या। देखो, जब आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आप अगर एक श्लोक डालते हो उसमें और उसको एक्सप्लेन करते हो, तो बेसिकली ज्यादा चांसेस है कि आपको 3 में से 3 भी मिल सकते हैं और मोर 2.5 तो फिक्स ही रहते हैं, ठीक है, ये उसका बेनिफिट। लेकिन अगर आप श्लोक नहीं डालते और आप उसको एक्सप्लेन करते हो, तो आपको 1.5 से लेकर 2 मार्क्स तक के मिलते हैं। और 15 मार्क्स के लिए भी वैसा ही, अगर आप श्लोक डालते हो तो आपको 10 प्लस जाने के ज्यादा चांसेस है, अगर आप नहीं डालते हो तो यू कैन बी स्कोर 11। अगर आपने मैंने जैसे बता वैसे लिख रहे हो, अगर आप श्लोक डाल रहे हो तो यू कैन गो 13। और 5 में से आपको 4 मार्क्स अगर आप श्लोक डालते हो, कभी कभार 5 मार्क्स भी दे देते हैं कोई कोई टीचर, लेकिन जनरली नहीं, मैक्सिमम बच्चों को नहीं मिलते। सो 5 में से 4 मार्क्स आपको चाहिए तो श्लोक इज मैंडेटरी, और 5 में से 3 आपको कंपलसरी मिलते हैं अगर आप श्लोक्स नहीं लिखते और पॉइंट वाइज आंसर लिखते हो तो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर श्लोक्स नहीं आते फिर भी आप पॉइंट वाइज क्वेश्चन लिखते हो तो यू कैन स्कोर मच 55 प्लस तो आप स्कोर कर ही सकते हो 90 आउट ऑफ। लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो और अच्छा तो आप 65 के प्लस भी जा सकते हो, ठीक है। अब आप बोलेंगे 90 में से 55 कैसे से? देखो, सीधा रूल है कि 15 में से आपके 15 मार्क्स तो कटने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और 45 में से आपको 10 मार्क्स तो उसमें ही कट जाते हैं, ठीक है। और जो 3 मार्क्स के होते हैं उसमें से 5 मार्क्स को पकड़ लो आप, तो ऐसे वैसे आपको 10, 20, 30 मार्क्स तो ऐसे ही चलेंगे। तो ये होता है आपका श्लोक नहीं लिखने की वजह से, जब आप श्लोक लिखते हो तो यू कैन स्कोर 20 मार्क्स, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। और लास्ट टिप्स है कि जब आप एग्जाम के पहले जाते हो तो आपको एग्जाम के आधे घंटे या 1 घंटे पहले कभी नहीं जाना है, आपको एग्जाम के 10 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स पहले ही जाना है। उससे क्या होगा कि आपका माइंड थोड़ा बिजी रहता है सोचने में और आप पढ़ रहे रहते हो, यू कैन स्टडी, आप रिकॉल कर सकते हो, आप हेडिंग याद रख सकते हो, ठीक है, ये सब। लेकिन आप आधे घंटे पहले जाते हो या फिर 1 घंटा पहले, तो आपके सवाल मतलब मन में इतने सवाल आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैंने पढ़ा नहीं, ये मेरा छूट गया। तो ये जो टाइम लैप है ना, इसको आपको मेंटेन करना है, तब जाके आप थोड़ा कॉन्फिडेंट और अच्छा पेपर छुड़ाओगे। तो ये कुछ टिप्स है और आई होप कि आपको हेल्प करेगी। और क्वेश्चन लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो सेक्शन ए अटेम्प्ट करो या सेक्शन बी अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप अटेम्प्ट करो तो ध्यान में रखना कि सेक्शन ए के क्वेश्चंस सेक्शन ए में होने चाहिए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस क्वेश्चन सेक्शन बी में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके क्वेश्चन इधर डाल दिए और इसके क्वेश्चन इधर डाल दिए, अगर आप ऐसा करोगे ना तो इन्विजिलेटर जो होता है, जो चेकिंग करने वाला है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। आप कितना भी अच्छा लिखो आपको मार्क्स हमेशा कम ही मिलेंगे, आपको हमेशा कम मार्क्स ही मिलेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो जो भी आंसर लिखोगे वो हमेशा सीक्वेंस में ही लिखना है आपको, क्वेश्चन नहीं आता है तो जगह छोड़ दो, बाद में अटेम्प्ट करना, लेकिन हमेशा ट्राई टू मेंटेन सीक्वेंस, सीक्वेंस ही आपको अच्छा स्कोर करने को मतलब मौका देता है। तो जैसे कि देखो, एक चेक करने वाले के पास हार्डली 3 से
5 मिनट्स होते हैं एक क्वेश्चन पेपर चेक करने में, आपको कितना आता है इम्पोर्टेंट नहीं, आप उसको कितना दिखाते हो कि आपको कितना आता है उस 5 मिनट में, वो इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी जब पेपर लिखते हो तो ट्राई टू रिप्रेजेंट इन गुड वे, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप हेडिंग के ऊपर भी ज्यादा काम करोगे और बेसिक चीजें लिखोगे तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हमेशा याद रखना जब भी आप पेपर लिखते हो। तब तक के लिए थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।